हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। और आज का वीडियो वैसे सभी विद्यार्थियों के लिए खास होने वाला है जो अपने जीवन में सीआईडी बनने का सपना देखते हैं। जी हाँ, आपको अगर ये फोटो दिखा दिया जाए तो भारत देश का शायद ही कोई ऐसा बच्चा होगा जो इस फोटो को नहीं जानता होगा, क्योंकि अभी भारत देश में जितने भी सीरियल प्रोग्राम चलते हैं उसमें सबसे फेमस प्रोग्राम में आता है आपका सीआईडी का प्रोग्राम। लेकिन क्या आपको पता है कि कैसे सीआईडी बनते कैसे हैं, सीआईडी बनने के लिए कितना पढ़ाई करना जरूरी है, सीआईडी बनने के लिए उम्र कितना होना चाहिए, सीआईडी बनने के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? अगर आप भी अपने लाइफ में सीआईडी ऑफिसर बनने का ख्वाब रखते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बड़ा ही खास होने वाला है। और वैसे विद्यार्थी जो अभी 10वीं में है, 12वीं में है, 12वीं पास कर चुके हैं, ग्रेजुएशन में है, या फिर आप ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, सबके लिए ये वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग जीरो से लेकर के सारे डिटेल्स को जानेंगे कि आखिर सीआईडी बनने का टोटल प्रोसेस क्या है, सीआईडी बनने के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है। तो आप इस वीडियो में मेरे साथ पूरा बने रहिए और इस वीडियो के माध्यम से आप अपने करियर को एक नए डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी अपने लाइफ में केवल इसलिए भी बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि उन लोगों को पता नहीं होता है कि ट्वेल्थ के बाद मुझे क्या करना है। अगर सीआईडी बनना भी है तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, कौन सा एग्जाम देना है, कौन सा बुक पढ़ना है, क्या तैयारी करना है, तो इस तरह का डिटेल आपको जानना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं कोशिश करूंगा कि आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए जो कि उसी एग्जाम में पूछा हुआ था जिस एग्जाम में आपको ये क्वालिफाई करके सीआईडी बनना है। एक बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस ग्रह से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। मतलब पहले जो है ये भी एक ग्रह था, आपके पास चार ऑप्शन है, शुक्र है, मंगल है, प्लूटो है, बुध है। मतलब पहले ग्रह था लेकिन अब यह ग्रह नहीं है, इसे ग्रह का दर्जा छीन लिया गया है। तो अभी तुरंत कमेंट करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिए। और चलिए हम लोग अपने वीडियो को आगे की ओर प्रोसीड करते हैं, आगे की ओर बढ़ाते हैं और एक एक करके सारे डिटेल को जानते हैं कि आखिर सीआईडी करते क्या है और सीआईडी हम लोग बनेंगे कैसे। तो ये क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दीजिएगा क्योंकि ये सीआईडी एग्जाम, यानी जो जिस एग्जाम के थ्रू आप सीआईडी बनते हैं उसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहली बात जो आती है कि भाई सीआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए, सीआईडी वर्ड जो है इसका जो फुल फॉर्म होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होता है, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। इसका मतलब क्या है भाई, क्राइम का मतलब होता है अपराध, कोई भी अपराध अगर आप करते हैं, और इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच, और डिपार्टमेंट का मतलब होता है विभाग। मतलब एक ऐसा डिपार्टमेंट है, एक ऐसा विभाग है जो क्राइम, जितने भी क्राइम होते हैं उन सब में अगर जांच पड़ताल करने की बात आती है, अगर स्टेट पुलिस फोर्स अगर मतलब सबूत जमा नहीं कर पाती या उस क्राइम के बारे में पता नहीं कर पाती है, तब वहां पे हाजिर होते हैं सीआईडी ऑफिसर और बहुत ही अंदर तक, बहुत ही तह तक जाते हैं और मैटर के असली कारण का पता करते हैं। तो ये था सीआईडी का फुल फॉर्म, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। अगर आपका भी सपना होगा, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, एक कर से सारे वीडियो को देखने का कोशिश कीजिएगा, हम लोग चलेंगे। अब देखिए, बात आता है कि भाई सीआईडी ठीक है लेकिन आखिर ये सीआईडी करते क्या है, ध्यान से देखिएगा समझिएगा सीआईडी का काम क्या है। ठीक है, सीआईडी का फुल फॉर्म जान गए तो देखिए, सीआईडी जो है कि सोल्व कॉम्प्लेक्स केसेस, एक ऐसा केस जो काफी जटिल हो जाए, काफी जटिल का मतलब उसमें कोई सबूत नहीं मिल रहा है, कोई बहुत बड़ा मर्डर केस है लेकिन उसमें सबूत नहीं मिल पा रहा है, कोई बहुत बड़ा फ्रॉड केस है, किसी नेता ने फ्रॉड कर दिया, कुछ कर दिया, तो सीआईडी का जांच उस पर जो है कि आप लगा सकते हैं। जैसे में मर्डर केस, रेप केस, फ्रॉड बने धोखाधड़ी का केस, रिवोर्ट्स का मतलब दंगा हो जाता है कभी कभी, आप देखिएगा दो कम्युनिटी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपस में दंगे वगैरह, बड़े बड़े दंगे होते हैं, तो आखिर उस दंगे का मेन कारण क्या था। उसमें जो कॉम्प्लेक्स केसेस इस तरह के आ जाते हैं जो कि स्टेट पुलिस या अन्य डिपार्टमेंट इसको सोल्व नहीं कर पाते हैं, तो वहाँ पे सीआईडी ऑफिसर आते हैं और सारे डिपार्टमेंट के साथ मिल करके उस मैटर को सोल्व करते हैं और उसका मेन कारण क्या था उस पर जो है कि फाइनल रिपोर्ट जो है कोर्ट में सौंपते हैं और कोर्ट जो है उस पर फाइनल डिसीजन जो भी देना है वो अपने हिसाब से देता है। तो सीआईडी का काम बड़ा ही टफ होता है मेरे दोस्त, याद रखिएगा, अगर आप सीआईडी बनना चाहते हैं तो मैं आपको सच बता देना चाहूंगा, तो सीआईडी का काम बड़ा ही टफ होता है। कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कि जहां तक ये स्टेट पुलिस वगैरह नहीं पहुंच पाती है वहां पे आपको पहुंचना होगा, उस तह तक जाकर के उसके मेन कारण को जानना होगा कि आखिर भाई मर्डर का कारण क्या था, रेप हुआ तो आखिर उसके पीछे कितने लोग थे, क्या थे, कैसे थे, सारे डिटेल्स आपको निकाल करके और कोर्ट में जा करके जमा करना है और कोर्ट आपके ही बातों के हिसाब से और जो है कि न्याय करेगी, जस्टिस करेगी। तो ये था कि भाई सीआईडी क्या करते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है, तो अगला क्वेश्चन जो हमारा आता है कि आखिर भाई
सीआईडी बनते कैसे, सीआईडी करते क्या है, और उसके बाद हम लोग चलेंगे हाउ टू बिकम सीआईडी ऑफिसर, आखिर सीआईडी ऑफिसर बनते क्या है। ठीक है, सीआईडी करते क्या है, यहां तक तो पता चल गया। तो देखिए सीआईडी ऑफिसर बनने के, याद रखिएगा, आपके पास दो तरीके हैं। अब क्या तरीके हैं भाई, उसको थोड़ा देख लिया जाए। सीआईडी ऑफिसर बनने के दो तरीके कौन कौन से हैं, तो देखिए जो सबसे पहला तरीका है कि भाई आप यूपीएससी का एग्जाम निकालिए। यूपीएससी का एग्जाम क्या होता है भाई, उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन सिविल सर्विस का एग्जाम आपने सुना होगा जिसमें लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं। तो सबसे पहला जो इसका तरीका है कि आप यूपीएससी एग्जाम निकालिए, यूपीएससी का एग्जाम निकाल करके आप आईपीएस बनिए, आईपीएस अफसर बनिए, और उसके बाद डायरेक्ट आपको सीआईडी ये अफसर बनाया जा सकता है। और दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट पुलिस डिपार्टमेंट आप ज्वाइन कीजिए, और उसके बाद प्रमोशन के द्वारा भी आप स्टेट पुलिस, जैसे किसी राज्य के पुलिस हैं आप, तो उसके अंदर भी एग्जाम होती है। याद रखिएगा पुलिस लोग का भी एग्जाम होता है, इंटरनल एग्जाम जिसको बोलते हैं, और उसके बाद आपको सीआईडी बनाया जाता है। और एक और इसका उपाय क्या है कि डायरेक्ट पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कीजिए जहां पे आपको डायरेक्ट अफसर बनाया जाए। स्टेट पुलिस में रहिएगा तो यार प्रमोशन के लिए वेट करना होगा, इंटरनल एग्जाम निकालना होगा। लेकिन एक और इसका उपाय हो सकता है कि आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम निकालिए, और उसमें भी आप डायरेक्ट सीआईडी बन सकते हैं। एसएससी सीजीएल का एग्जाम याद रखिएगा। तो क्या है कि यूपीएससी का एग्जाम निकाल के सीआईडी बन सकते हैं, पहला रास्ता। दूसरा है कि डायरेक्ट आप कोई राज्य का पुलिस ज्वाइन कीजिए, उसमें इंटरनल एग्जाम निकालिए, या तो फिर प्रमोशन के लिए वेट कीजिए, आप सीआईडी बन सकते हैं। और तीसरा रास्ता कि आप ग्रेजुएशन कर ही लिए हैं, तो ग्रेजुएशन पे तो यही एग्जाम होता है यूपीएससी का, अगर ग्रेजुएशन कर लिए तो एसएससी सीजीएल का एग्जाम निकालिए, और वहां से पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कीजिए, और फिर आप डायरेक्ट सीबीआई अफसर, सीआईडी अफसर बन सकते हैं। तो सीआईडी अफसर बनने का ये तीन रास्ता मैंने आपको बता दिया। पहला रास्ता क्या है, यूपीएससी एग्जाम निकालिए ग्रेजुएशन करके। दूसरा है कि ग्रेजुएशन करके आप एसएससी सीजीएल निकालिए, या फिर आप किसी राज्य का पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कीजिए, और वहां पे आपको प्रमोशन के द्वारा या तो फिर इंटरनल एग्जाम लेकर के सीआईडी अफसर बनाया जाता है। तो ये तो था कि भाई कितने तरीके से हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं, याद रखिएगा। लेकिन इसके अलावा भी और क्वेश्चन है हमारे पास, कि भाई माइंड में और क्वेश्चन हमारे हो सकते हैं कि भाई ठीक है ये तो सारा रास्ता है सीआईडी अफसर बनने का, हाउ टू बिकम सीआईडी ऑफिसर, लेकिन यूपीएससी के द्वारा सीआईडी कैसे बनता है, इसके बारे में जरा डिटेल हम लोग जानेंगे। यूपीएससी एग्जाम निकाल करके सीआईडी कैसे बनते हैं, तो देखिए यूपीएससी एग्जाम निकाल करके अगर सीआईडी बनना होगा, इसका जो मेन तरीका है कि सबसे पहले आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किसी सब्जेक्ट से कीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात मैं आपको बता देना चाहूंगा कि सबसे पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए, कोई भी स्ट्रीम से होना चाहिए। उसके बाद यूपीएससी एग्जाम निकालिए, और यूपीएससी एग्जाम में जो है कि आईपीएस पोस्ट आपको मिलेगा, उसके थ्रू आप जाकर के सीआईडी अफसर बन सकते हैं। देखिए कहना तो बहुत आसान है, मैंने तीन चार लाइन में आपको समझा दिया, और यहाँ पे लिखा हुआ आप पढ़ भी सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही कि इसका एग्जाम लेवल बहुत टफ होता है, और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा। यूपीएससी के एग्जाम में देश के बहुत सारे तेज दिमाग के विद्यार्थी कैंडिडेट बैठते हैं, तो लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप निकाल नहीं सकते, अगर आप मेहनत करते हैं तो आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं। तो यूपीएससी के द्वारा सीआईडी ऑफिसर बनने का यही तरीका है कि सबसे पहले आप क्या कीजिए कि ग्रेजुएशन कीजिए, उसके बाद यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम निकालिए, और आईपीएस पोस्ट आपको मिलेगा, उसी के थ्रू आप सीआईडी अफसर बनिए। लेकिन हाँ, ये जो सच लिखा हुआ है इस पर भी आपको ध्यान देना है, इसको हल्के में नहीं लेना है। तो अब दूसरा रास्ता मैं आपको बताता हूँ कि ठीक है यूपीएससी के द्वारा तो हो गया, तो डायरेक्ट पुलिस बनकर सीआईडी कैसे बने, ये भी देख लीजिए आप। इसका भी थोड़ा तरीका क्या है भाई, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए डायरेक्ट पुलिस बनकर अगर आप सीआईडी बनना चाहते हैं, तो इसका मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, इसको ध्यान से समझिएगा क्या इसका प्रोसेस है, क्या तरीका है। तो देखिए सबसे पहले आपको भाई ग्रेजुएशन तो करना होगा, सीआईडी बनना है तो कम से कम तो यार ग्रेजुएशन चाहिए, तो सबसे पहले कंप्लीट योर ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन कंप्लीट कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि एसएससी सीजीएल का एग्जाम निकालिए, आप तैयारी कीजिए एग्जाम निकालिए, उसके बाद आप उसमें पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन कीजिए। एसएससी सीजीएल निकाल करके उसमें भी पुलिस डिपार्टमेंट का ऑप्शन आपके सामने रहेगा, ज्वाइन कीजिए। और एक बात और ख्याल रखिएगा, फिटनेस आपका अच्छा होना चाहिए, फिटनेस भी उसमें डिमांड करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और पुलिस डिपार्टमेंट जैसे ही ज्वाइन करते हैं उसमें फिर आपको सीआईडी ऑफिसर के लिए पोस्ट आपको रिक्रूट किया जाएगा, आपको दिया जाएगा, और इसके बाद आप डायरेक्ट एसएससी सीजीएल निकाल करके सीआईडी ऑफिसर बन सकते हैं। कितने स्टूडेंट कहते हैं कि सर मैंने तो स्टेट पुलिस निकाला है, राज्य पुलिस में हूँ, क्या मैं भी बन सकता हूँ? देखिए स्टेट पुलिस वालों के लिए क्या ये प्रोसेस होता है, या तो वे प्रमोशन के द्वारा बने, तो प्रमोशन होते होते हो सकता है कि यार आप बूढ़े हो गए, तो उसमें बूढ़े होने की जरूरत नहीं है, उसमें भी एक इंटरनल एग्जाम होता है। जो राज्य पुलिस होते हैं उन लोग के साथ भी उन लोग के डिपार्टमेंट में इंटरनल एग्जाम होता है, एग्जाम निकाल करके आप जल्दी से प्रमोशन के थ्रू या फिर डायरेक्ट एग्जाम के थ्रू, ये जो इंटरनल एग्जाम होता है उसके थ्रू आप सीआईडी बन सकते हैं।
तो ये सारा मैंने प्रोसेस बता दिया कि कैसे कैसे बनते हैं। एसएससी सीजीएल निकालते हैं तो आप डायरेक्ट सीआईडी ऑफिसर बन जाते हैं। लेकिन अगर आप स्टेट पुलिस है, राज्य पुलिस है, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस या यूपी पुलिस, तो वो लोग भी सीआईडी बन सकते हैं। लेकिन उन लोग के लिए प्रोसेस क्या है, या तो प्रमोशन या तो फिर इंटरनल एग्जाम दीजिए। आप पुलिस होने के बाद भी एग्जाम दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप पुलिस बन गए तो आपके लिए एग्जाम नहीं होता, आपको एग्जाम नहीं देना। ये सारा था प्रोसेस, दोनों प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। अब चलिए जो सबसे जरूरी चीज़ है कि भाई इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, एज कितना होना चाहिए और बाकी चेस्ट वगैरह कितना होना चाहिए, फिटनेस कितना होना चाहिए, वो सारे डिटेल को भी हम लोग जानते हैं। तो देखिए, अब क्राइटेरिया जानते हैं कि भाई सिटीजनशिप, आखिर किस देश का नागरिक भारत में सीआईडी बन सकता है। तो देखिए, भारत देश में अगर आपको सीआईडी ऑफिसर बनना है तो उसको इंडियन होना चाहिए। इंडियन मतलब कि भारत का नागरिक होना चाहिए, बाहर देश का आदमी आकर के यहाँ पे सीआईडी नहीं बन सकता है। और इसके साथ साथ जो अगला हमारा क्वेश्चन होगा, अगला क्राइटेरिया होगा, ये सिटीजनशिप नागरिकता आप समझ गए कि भारत देश का नागरिक होना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन कि उसका सेक्स एज लिमिट क्या होना चाहिए। देखिए बात क्या है कि मेल एंड फीमेल, लड़का लड़की दोनों बन सकते हैं यार, इसमें कोई ये नहीं होता है कि नहीं लड़की सीआईडी ऑफिसर नहीं बन सकती, फीमेल कैंडिडेट भी सीआईडी ऑफिसर बन सकते हैं। तो ठीक है भाई, अब एज बताया जाए, एज लिमिट क्या है। देखिए इसमें एज 20 से 27 साल होना चाहिए आपका, 20 से 27 साल। तो क्या इसमें कुछ छूट भी होता है? तो जी हाँ, कैटेगरी के हिसाब से आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन यानी छूट मिलता है। तो क्या छूट मिलेगा भाई, चलिए वो भी बताते हैं। 20 से 27 तो ये सबके लिए है, लेकिन अब देखते हैं कि क्या छूट मिलेगा कैटेगरी के हिसाब से, उसको थोड़ा सा देख लिया जाए। तो देखिए एज रिलैक्सेशन में क्या होता है कि अगर आप किस कैटेगरी के हैं ये तो खैर आप ही बता सकते हैं। तो अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपको 3 साल का छूट मिलेगा। 3 साल का छूट मिलने का मतलब 20 से 27 तक आपको लिमिट है, तो आप 30 साल तक इस एग्जाम को दे सकते हैं, 30 साल तक आपको एज मिलेगा। लेकिन अगर आप एससी एसटी कैटेगरी के हैं तो 5 साल का छूट आपको मिलेगा, मतलब 20 से 27 था उसका उम्र लिमिट, एज लिमिट। तो 27 + 5 कितना हो गया, 32 साल तक आप सीआईडी एग्जाम में, इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, सीआईडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है, आपको 20 से 27 साल के बीच में ही सीआईडी बन जाना होगा। अदरवाइज अगर आपका 28 साल होता है तो आप फिर उसके लिए अप्लीकेबल नहीं होंगे। यानी कि कैटेगरी के हिसाब से कुछ आपको छूट दिया गया है, और बाकी आप लोग को जो भी क्राइटेरिया बताया उसको ध्यान से देखिएगा। और साथ ही साथ अगला क्राइटेरिया क्या है भाई, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। देखिए क्वालिफिकेशन भी बड़ा मायने रखता है इसमें। सबसे जो मैंने कंडीशन है इसका, एसेंशियल कंडीशन की, आपको ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट करना ही होगा। इसके साथ भी और कुछ करना है क्या? देखिए अगर क्रिमिनोलॉजी यानी कि अपराधी विज्ञान, अपराध विज्ञान, ये सब क्रिमिनोलॉजी एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें कि भाई पढ़ाया जाता है कि क्रिमिनल को कैसे पकड़े या क्या, ये पढ़ाई ही होता है, एक स्टडी है। भारत में बहुत सारे कॉलेज हैं जो ये क्रिमिनोलॉजी का पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो अगर ग्रेजुएशन के साथ अगर आपने क्रिमिनोलॉजी का पढ़ाई किया है तो और भी अच्छा, इसका फायदा आपको यूपीएससी एग्जाम में मिलेगा, वहाँ पे इंटरव्यू में मिलेगा, वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वहाँ मिलेगा आपको कि भाई कैसे क्या कीजिएगा। तो अगर ग्रेजुएशन अगर आप कर चुके हैं तो आप इस एग्जाम के लिए तैयार हैं, अदरवाइज आप इस एग्जाम के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर आप 12th में हैं तो भी टेंशन ना लें, क्योंकि आप तो ग्रेजुएशन करिएगा ही आने वाले समय में। तो जैसे ही आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं आप सीआईटी एग्जाम के लिए वैलिड हो जाते हैं। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि भाई हाइट कितना होना चाहिए। देखिए हाइट सारे कैंडिडेट के लिए, मेल फीमेल के लिए अलग अलग है। अगर आप मेल हैं तो आपका हाइट होना चाहिए 165 सेंटीमीटर, एंड इफ यू आर अ फीमेल कैंडिडेट देन योर हाइट मस्ट बी 150 सेंटीमीटर 150 सेंटीमीटर। लेकिन कुछ हिल्स एंड ट्राइब्स याद रखिएगा, हमारे नॉर्थ ईस्ट के कुछ ऐसे निवासी होते हैं उत्तर पूर्व भारत के, जिनका हाइट जो है कि कम ही होता है, उनका हाइट पैदा ही लेते हैं उतना ही हाइट, मतलब क्या उसको बोले, ये पूर्वजों से ही चलता रहा है, कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम के कारण ही उनका हाइट कम होता है, उत्तर पूर्वी भारत का, अरुणाचल, नागा, ये सब। उन लोग को 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर मेल है तो 160 चाहिए उन लोग को, और फीमेल है तो 145 चाहिए। तो मैंने 5 सेंटीमीटर का उन लोग को थोड़ा छूट दिया गया है कि भाई आप लोग का ऐसा जीन ही है तो क्या किया जाए, उसमें कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। लेकिन आप अगर इधर नॉर्मल अगर इंडियन है तो फिर उत्तर भारत के हैं, साउथ इंडिया के हैं, पश्चिम भारत के हैं, तो फिर आपको ये क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। लेकिन अगर आप नागालैंड के हैं, मिजोरम के हैं, मणिपुर के हैं, तो थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन 5 सेंटीमीटर का दिया जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है आई साइट, याद रखिएगा। आई साइट का मतलब होता है थोड़ा सा आँख आपका ठीक होना चाहिए। अब सीआईडी बन गए, आँख काम ही नहीं कर रहा तो फिर दिक्कत होगा यार। तो आई साइट में देखिए, जो डिस्टिंक्ट विजन का मतलब होता है कि दूर तक जो आपका आँख काम करना चाहिए उसका क्या औकात होना चाहिए। तो देखिए 6x6 and 6x9, और नियर विजन इसका होता है 0.6 and 0.8। देखिए इसका मतलब क्या होता है आप समझिएगा,
जब आप आँख चेक करवाने जाते हैं तो आपको कुछ दूरी पर रह के कुछ लेटर पढ़वाया जाता है। तो उस टेस्ट में अगर आप फेल हो जाते हैं तो भी आप सी आई डी नहीं बनिएगा, वहाँ पर भी ये टेस्ट कराया जाएगा। वेन यू आर गोइंग टू बिकम अ सी आई डी ऑफिसर, बनने के लिए जब जाइएगा तो आपकी आंखों का टेस्ट उसी तरह से किया जाएगा। ये 6x6 का मतलब 6 मीटर दूर से आपको कोई लेटर पढ़वाया जाएगा। तो अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो यानी कि आपका आंख सही है, आपका विजन सही है। इस देखिए ये चेक करने का मतलब है कि आपकी आंख और दिमाग के बीच कनेक्शन चेक किया जाता है कि आंख से देख करके दिमाग में कोई चीज ले करके और तुरंत उस पर कितना फास्ट आप डिसीजन ले पाते हैं, ये चीज डिसाइड करता है। अब साथ ही साथ ये क्या होता है, अगर आप आंख चेक करवाने जाइएगा तो वो आपको सारा बता देगा, लेकिन ये डिजिट आप याद रखिएगा 6x6 और 6x9 और नजदीक के लिए 0.6 और 0.8। आप जाइएगा आंख चश्मा दुकान में, वहां पे चेक करवा के देखिएगा कि क्या मेरा आंख इन क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है कि नहीं, अदरवाइज आप उस पर देख करके और सुधार उसमें कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, बड़ा ही खास क्वेश्चन, भाई कितना बार इस एग्जाम को मैं दे सकता हूँ। देखिए ये डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप इस एग्जाम को 4 बार दे सकते हैं, याद रखिएगा 4 बार इस एग्जाम को दे सकते हैं। बट इफ यू आर अ कैंडिडेट ऑफ ओबीसी कैटेगरी देन यू कैन अपियर इन दिस एग्जाम 7 times, यानी कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 7 बार आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। एंड इफ यू आर कैंडिडेट फ्रॉम एस सी एस टी कैटेगरी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब देन यू कैन अपियर इन दिस एग्जाम अनलिमिटेड, कोई लिमिट ही नहीं है, आप जितना मन उतना बार इस एग्जाम को दे सकते हैं। बट यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ योर एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन 32 साल तक है, इन लोग को याद रखिएगा, मैंने शायद बताया था एस सी एस टी कैटेगरी के लिए। तो 32 साल तक आप जितना बार चाहे उतना बार इसमें आप अपियर हो सकते हैं, और बाकी कितना बार दे सकते हैं एग्जाम ये भी हमारा डाउट क्लियर हो गया। और लास्ट जो है हमारा भाई चेस्ट कितना होना चाहिए, चेस्ट मैंने छाती, ये चेस्ट 76 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल फीमेल दोनों के लिए। फुलाने के बाद, इन्फ्लेटेड करने के बाद, आपका इन्फ्लेटेड मतलब फुलाने के बाद चेस्ट जो है 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आप देख लीजिएगा अपना टेप से माप करके क्या है, और उसके बाद यार इसमें सीसी एग्जाम में जो सबसे जरूरी चीज़ होता है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल मतलब बात करने का तरीका, आपको कैसे लोगों को डील करना है, कैसे लोगों को हैंडल करना है, क्रिमिनल से कैसे सच को कबूलवाना है, ये चीज़ भी आपके लिए बड़ा खास हो जाता है। इसलिए आपका कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने का स्किल भी तगड़ा होना चाहिए। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, जो लास्ट क्राइटेरिया है कि अब हम लोग आपको ऑल द बेस्ट विश करेंगे। ये जितने क्राइटेरिया थे, दीज आर द मोस्ट ऑफ द क्राइटेरिया यू नीड टू फुलफिल इफ यू आर गोइंग टू अपियर इन द एग्जाम ऑफ SSC CGL और UPSC टू बिकम अ CID ऑफिसर। आप किसके थ्रू ये बनना चाहते हैं CID ऑफिसर, SSC CGL के द्वारा या UPSC के द्वारा, आपको ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करने होंगे। और मेरे दोस्त अंत में आपको ऑल द बेस्ट विश करना चाहेंगे ताकि आप अपने नेक्स्ट स्टेप में अपने CID ऑफिसर बनने की जर्नी की तैयारी में सफल हों। और इसी के साथ हम लोग अगले वीडियो में UPSC एग्जाम या अन्य एग्जाम, जो भी सारे एग्जाम हैं, सारे एग्जाम के ऊपर मैं आपको एक एक वीडियो दूंगा, और जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसका आप कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन लोग को भी पता चले कि भाई CID ऑफिसर कैसे बनते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं लास्ट करना चाहेंगे, और अगले वीडियो तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, और खूब मन लगा करके पढ़ाई कीजिए।